सो फाइनली दोस्तों वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड में अपना भी फोटो लगाना चाहते हैं, स्टाइलिश टाइप में आइए कीबोर्ड में अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था भाई कीबोर्ड में अपना फोटो कैसे लगाए, तो फाइनली ये कीबोर्ड वाले में अपना फोटो लगाने के लिए आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के अपने टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम कीबोर्ड वाले फाइल में चले आए हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी जैसे यूट्यूब में अभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी यूट्यूब में जैसे कोई भी सर्च करते हैं तो ये कीबोर्ड वाला फाइल चले आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सेटिंग कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 डॉट का ऑप्शन है, ये 3 डॉट वाले पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ढेर सारा ऑप्शन आ गए। आपको किस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि थीम, कीबोर्ड, लेख संपादन, इस वाले पर आपको क्लिक नहीं करना है। फाइनली आपको यहाँ पर देख सकते हैं थीम वाले, ये थीम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अजीब अजीब टाइप का आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फाइनली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये प्लस का निशान है, ये प्लस वाले आइकन पर आपको फाइनली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपका गैलरी वाला फाइल यानी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फाइल मैनेजर ओपन हो गए हैं। फाइनली इसमें से एक हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम एक फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसको जूम आउट, जूम इट, जूम इन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जूम आउट कर लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो को हम फाइनली यहाँ पर सेट कर, यहाँ पर बीच में आपको भी सेट कर लेना है। ये सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट का ऑप्शन है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में ये ब्राइटनेस का ऑप्शन दिए गए, आप जितना भी फोटो का यहाँ पर ब्राइटनेस लगाना चाहते हैं उतना यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों इतना हम देख सकते हैं दोस्तों जितना आपको साइज के हिसाब से लगेंगे उतना ब्राइटनेस दे देना। इतना ब्राइटनेस देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं डन, ये डन वाले ऑप्शन पर अभी हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का आपको भी ऑप्शन चले आएंगे। फाइनली आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको सेट हो गए, यहाँ पर कुछ देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, अभी फाइनली सेट हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिए ताकि इसी टाइप का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते ही रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।